हम आ गए हैं दादर और अभी CST ट्रेन लगी है मॉर्निंग 8:03 वाली स्लो ट्रेन लगी है, उसी से हम सोच रहे हैं कि चले जाएं। भीड़ तो नहीं लगी क्योंकि अपोजिट साइड है ना, तो अपोजिट साइड में इतनी भीड़ नहीं रहती है। अगर थाने वाली ट्रेन रहेगी या फिर उससे आगे बदलापुर वगैरह वाली ट्रेन रहेगी ना, उसमें ज़्यादा भीड़ रहती है। कैसा लगा रहती दिन भर ट्रेन से ट्रैवल करते हुए? हाँ ना, हैबिट बहुत बेकार हो गई हम लोग, छूट गई है ना, घर से काम करते करते 2 साल वर्क फ्रॉम होम ने सबकी आदत बिगाड़ी। अब ऑफिस बुलाएंगे ना तब पता चलेगा। बहुत अच्छा लग रहा है CST आके। हम लोग कितने साल बाद आ रहे हैं? बहुत टाइम हो गया, 3-4 साल बाद आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो, पुरानी यादें फिर से जीते हुए ऐसा लग रहा है कि वाओ, यहाँ पर मैं रोज आती थी, ऑफिस जाती थी। ओ माय गॉड, आई एम फीलिंग लाइक, बहुत अच्छा होता है ना अपनी पुरानी मेमोरीज को रिकॉल करना, फोटो निकलवा लेते हैं। सेम ही है, सेम है, मस्त है। मेरे को फोटो चाहिए। CST का सबवे, मतलब स्टेशन से निकलोगे ना तो सबवे का रास्ता आता है, सबवे से जाओगे ना तो फिर आप बाहर आ जाओगे। अब हम जा रहे हैं, हाँ जिसको रोड नहीं क्रॉस करनी है तो सबवे से आ सकता है। मुंबई का स्पेशल ब्रेकफास्ट इडली एंड वड़ा, मैंने लिया है इडली प्लेट, रोहित ने लिया है वड़ा प्लेट। हम लोग तो यहाँ पे आते थे, हम डेली खाते थे ऑफिस से, कभी रिटर्न में कभी कैसे। हाँ, सबवे से निकलोगे ना बहुत सारी फूड शॉप है वहाँ पे, आपको पाव भाजी बहुत सारे स्ट्रीट फूड के ऑप्शन मिल जाएंगे। बट अभी मॉर्निंग है तो हमने सोचा कुछ हेल्दी खा लेते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इडली खा रही हूँ। इडली बहुत ज़्यादा डिलीशियस थी यार, रेस्टोरेंट में जितना भी खा लो पर जिस चीज़ की जो स्पेशलिटी होती है ना, मतलब जो इडली वाले दादा इडली बनाते हैं उसकी जो स्पेशलिटी होती है वो अलग ही रहती है, उसका टेस्ट अलग ही रहता है। बहुत मज़ा आ गया यार खा के। मैंने इडली ली थी, रोहित ने लिया था वड़ा पाव। वड़ा पाव नहीं क्या, मेदू वड़ा, सांभर वड़ा। कैसा लगा? कैसा सॉफ्ट भी नहीं, बहुत दिनों बाद। यहाँ दूसरा था, इरोज नहीं था यहाँ, इरोज तो वहाँ पर रहे हैं, दूसरा स्ट्रीट। हम लोगों ने CST से मरीन ड्राइव के लिए टैक्सी ले ली है, जैसे बाय वॉक है, वॉक करके भी जा सकते हो, पर हमें जल्दी जाना है, अधू घर पर है ना इसी वजह से। एंड शेयरिंग भी मिलती है, शायद शेयरिंग में 25 पर सीट लगेगी, तो हम लोग 60 रुपीज़ जा रहे हैं। ये है मेरा पुराना ऑफिस, बंद हो गया, बंद हो गया, हाँ सारा बंद हो गया यार, ये तो ये मेरा पुराना ऑफिस था। हम लोग पहुंच गए हैं मरीन ड्राइव। यस, लुक एट दिस, लुक एट द व्यू, व्यू ही देखना, कुछ और मत देखना। वाओ गाइस, आप देख सकते हो कितना अमेजिंग व्यू लग रहा है। अभी थोड़ा लेट हो गया, इस वजह से थोड़ी धूप आ गई है, बट बहुत अच्छा व्यू लग रहा है। लुक एट दिस, लोग यहाँ पर क्वालिटी टाइम, अभी मैं गिरते गिरते बचू, अभी हम लोग यहाँ पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं, तो आगे की वीडियो में मिलते हैं। अभी लोग, अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए सब याद कर रहे थे क्या, पहले तो हम एवरी वीक यहाँ पर आते थे। तुम इतने खड़ूस क्यों हो? मैंने तो बोला धीरे से, क्यों हो इतने खड़ूस, क्यों हो तुम? चलो काम कर लो, शादी के बाद सारे पति बदल जाते हैं। बहुत गर्मी होने लगी मुझे। हाँ ना यार, बहुत गर्मी हो रही है। अभी हम याद कर रहे थे कि पहले हम हर वीक आते थे, हर वीक क्या, हर वीकेंड ऑफिस के बाद नहीं आते थे, मोस्टली फ्राइडे को आते थे शाम में, और मजा आ जाता था ना, बगल में ही था यहाँ से, यहाँ बैठ के अंताक्षरी खेल रहे हैं, लेट रहे हैं, और मतलब बहुत सारी बातें कर रहे हैं। क्या दिन थे वो, अच्छा लगता था। अब तो टाइम निकालना पड़ता है, तो है ही नहीं, टाइम ही नहीं है। जब तक आपकी कॉलेज लाइफ या फिर ऑफिस लाइफ है तब तक ऐसा लगता है कि हाँ आजाद परिंदे है, फिर उसके बाद फैमिली हो जाती है ना,
तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली की है, पर दोनों लाइफ जरूरी है, है ना। ये एक्सपीरियंस हमेशा ऐसे ही रहोगे, कहीं भी उड़ जाओ नहीं यहीं से जाते हैं। अच्छा हाँ वहाँ से ये वाला अलग रास्ता है ना। अच्छा पिज्जा हट के पास नहीं, कौन सा था वो पिज्जा वाला, पिज्जा एक रेस्टोरेंट था वहाँ पे, बदलापुर की शूटिंग हुई है। हाँ बदलापुर के एक सॉन्ग की शूटिंग हुई है। तो भी पैदल चला रही है ना। हाँ। धूप नहीं है तब तक सही है। ये बोल रहे थे पिज्जा बाय द वे, By the way. ये देखो होटल था पहले, ये बता रहा था ना कि ये घूमता था कुछ भी सब तुम्हारा, वो बता रहा था जीजा सुपेंदर। स्टेशन बाय वॉक करके जा रहे हैं और बीच में पड़ा चर्च गेट स्टेशन, ये भी नजदीक स्टेशन है बट हाँ। यहाँ से अपने लिए ट्रेन नहीं मिलती है ना। हम लोग की जो ट्रेन है सेंट्रल लाइन से मिलेगी, तो हमने सोचा कि कहाँ से चले, यहीं से पार कर जाए फैशन स्ट्रीट के लिए। यार कहाँ से था रास्ता, अरे उस तरफ निकल के ही है हमारी फेमस गली जहाँ से हम गुजरा करते थे। ऑफिस के सामने ही निकलता है ना ये वाला। हाँ बिल्कुल ऑफिस के सामने है, इधर बहुत सारे ऑफिस था टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड, वो बड़ी बिल्डिंग जो दिख रही है बीएसएनएल की, अभी नहीं दिख रही, अब दिखेगी जाके दिखेगी वो बड़ी बिल्डिंग। पहले इधर बहुत अभी तो मॉर्निंग में इतना नहीं लग रहा ना, सुबह है ना बहुत शॉप लगती थी, थोड़ी देर बाद पूरा ये आगे फैशन स्ट्रीट है ना यहाँ पे शॉप लग जाएंगे बहुत सारे। यहाँ पे 5-10 मिनट में शॉपिंग कर, दिखेगा यहाँ से ऑफिस। ये ऑफिस था पहले 12th फ्लोर पे हम लोग काम करते थे ना, अब तो टाटा का लोगो भी हटा दिया, टाटा का लोगो भी हटा दिया ना क्योंकि अभी ये बिल्डिंग बीएसएनएल की थी। ये फैशन स्ट्रीट है, ये सब शॉप्स अभी फिलहाल बंद है। नहीं है वॉक करके जा रहे हैं हम सीएसटी स्टेशन, फैशन स्ट्रीट बीच में देख रहे थे पर इतनी जल्दी खुली नहीं है वैसे फैशन स्ट्रीट। 9:40 हो रहे हैं, 10 बजे की ट्रेन है, 9:57 की ट्रेन है, थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। जानू मैं तुम्हारे से ज़्यादा छब्बी हूँ तो मैं जल्दी थकनी चाहिए ना, तुम तो एकदम फिट हो। तुम तो वॉक कर रही हो ना सही जगह से, तो फिर तो मैं आदत होगी, मुझे नहीं आदत है। ये हमारा रोज का रास्ता था जहाँ रोहित मेरे साथ फ्लर्ट करता था फालतू का। हाँ रहने तो जानू, परेशान कर देते थे मेरे को, उल्टी बातें बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, हमें अपनी बात बता रहे देखो। गलियाँ यहाँ से हम जाते थे सीधा, अराउंड 5 मिनट्स का वॉक है टू सीएसटी स्टेशन के लिए। और यहाँ पे हमेशा गिर जाती थी, हमेशा इस रास्ते पे चलते चलते गिरते रहते थे और मैं बचाता रहता था हमेशा। ये आजाद मैदान है पूरा इधर जो है ना, रोहित इंतजार करते रहते थे मैं कब गिरूं कब मुझे बचाएगा कोई और दूसरा बचा लेता था रोहित को। अच्छा तू बचाने के लिए लोग खड़े रहते थे क्या, कुछ भी और दोस्त नहीं थे क्या, वही नहीं था मैं और तुम ही साथ जाते थे ना बस। रोहित जब तक नहीं जाता था जब तक मैं नहीं जाती थी घर। नहीं मैं बोलता था तुम रुक रहो साथ में चलो, सुबह तो मैं नजदीक जाना होता था और मुझे दूर जाना होता था तो मेरी जो ट्रेन का टाइम था उसके हिसाब से मैं तुम्हें बोलता था चलो 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 अब मैं जान के लेट करके तुमकी ट्रेन की। हाँ तुम्हें तो बगल में ही जाना था, तुम्हारे लिए तो बहुत सारी ट्रेन थी, ट्रेन से चले जाओगे, मेरे लिए तो एक दो ही ट्रेन थी जो इतनी दूर जाती थी। गाइस आपको लग रहा होगा हम कितनी बकबक कर रहे हैं पर अच्छा लगता है ना, बहुत लोग आ रहे हैं तो सब याद आ रहे हैं। इसका हेडक्वार्टर है ये जो बिल्डिंग है ना यहाँ पे, मतलब जितने भी आईडी कार्ड वगैरह प्रिंट होते हैं सब इन डॉक्यूमेंट है टीसीएस के, और जितनी भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो सब इस बिल्डिंग में रखी रहती है ऐसे मुझे पता चला था। पता नहीं बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है इस ऑफिस में, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है अंदर की साइड, चप्पे चप्पे पर कैमरे हैं। हम लोगों को एम्प्लॉयज़ को नहीं जाने देंगे, नहीं जा सकते हो नहीं, हाँ कहीं नहीं जा सकते। अरे अमित लोग यहाँ पे लंच करने के लिए जाते हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट होते रहते हैं हमेशा। हाँ, कुछ ना कुछ सारे प्रोटेस्ट होते हैं, अभी भी कोई तो चल रहा है। हाँ कुछ तो है, पुलिस की वैन वगैरह खड़ी है। हाँ, इधर डच बैंक है, ये डच बैंक है,
अभी भी डच बैंक ही है, पहले स्टार्टिंग में एकदम बिल्डिंग जो है बिल्कुल वो थी, खंडहर थी ये। हाँ जब हम थे। हाँ तो फिर बना ना ये नया, मतलब इसको पूरा रेनोवेशन हुआ। हाँ देखो अभी भी कुछ तो चल रहा है प्रोटेस्ट वोटेस्ट यहाँ पे। बस कर गाइस हम लोग अपने स्टेशन आ चुके हैं, सोचो 11:15 बजे, 11:15 बज रहे हैं, सोचो 11:15 बजे तक हम 120 किलोमीटर घूम कर भी आ गए, मतलब 60 किलोमीटर जाना 60 किलोमीटर आना, कितना अच्छा है ना, यूटिलाइज हो गया पूरा दिन अच्छे से। अभी जा रहे हैं घर शोना के पास, लल्ला के पास।